जन भागीदारी से नहीं होती। आप जब तक लोगों को जोड़ने की सिस्टमेटिक स्कीम नहीं बनाओगे, स्वच्छ भारत अभियान, मीडिया ने बहुत सकारात्मक रोल किया, उसका एक असर है, ऊपर से नीचे टीम ने फिजिकली उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया, इसका एक नेचुरल इंपैक्ट आया है और हर कोई स्वच्छता के अंदर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। और आपने देखा होगा स्वच्छता के अभियान की सफलता के मूल में मैं सबसे बड़ी ताकत देख रहा हूं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक प्रकार से उसके एम्बेसडर बन गए हैं। घर में भी दादा होंगे, कुछ करते हैं तो कहते हैं दादा ये मत करो, मोदी जी ने मना किया है। ये जो ताकत है मैसेजिंग की, वो बदलाव लाती है। हम समाज के, जैसे मान लीजिए हम कुपोषण की चर्चा करें कि सुपोषण की चर्चा करें, हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोले कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोले, देखिए साइकोलॉजिकली बहुत फर्क। हमने हमारी शब्दमाला सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है। वे भी पूरी देर हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कारण बन जाती है। अगर वो हम करते हैं तो आप देखिए आपके अगल बगल में भी उसका प्रभाव नजर आता है। मुझे बराबर याद है मुंबई में हमारे एक मित्र थे, उनका एक स्वभाव था, हम आयु में बड़े थे, अब गुजरात के लोगों को और शायद देश में भी मिलते ही तो कैसे हो, तबियत कैसी है, पूछने का स्वभाव होता है। अगर उनको पूछ लिया तबियत कैसी है तो पहली 10 मिनट नहीं नींद नहीं आती है, ऐसा हो जाता, उतना मजा आता था उनको कहने में। तो हम जो उनसे परिचित लोग थे उन लोगों ने एक दिन तय किया, ये जब मिलेंगे तब बातचीत की शुरुआत कहां से करेंगे। हमने तय किया, बिल्कुल प्रैक्टिकल तय किया, और मिलते ही वाह अरे रमेश भाई बहुत बढ़िया दिखता है आजकल, तो एकदम तबियत बहुत अच्छी लगती है, एकदम चेहरे पर भी चमक दिखती है, ऐसा माहौल बदल गया। उन्होंने रोते पीटते बात करने का स्वभाव करीब करीब उनका छूट गया। हम सकारात्मक चीजों से अपनी बातों के नैरेटिव्स को, कुपोषण की चर्चा काम आएगी कि सुपोषण की चर्चा काम आएगी, आप खुद अनुभव करते होंगे कि हम किस दिशा में जाएं। देखिए आशा वर्कर ये शब्द की अपनी एक ताकत बन गया, वो लेडी वहां काम कर रही है, क्या कर रही है वगैरह, लेकिन शब्द ऐसा है कि लोग कहते हैं यार कुछ मेरे लिए है। हमने सामान्य जन से जुड़े हुए ऐसे नैरेटिव, हर भाषा के अलग होंगे, एक ही शब्द हमारे देश के हर इलाके में नहीं चल सकता, लेकिन हमने लोकल इस प्रकार के चीजों को डेवलप करना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए हम कुछ कुपोषण की चर्चा करते हैं, क्या कभी सुपोषण के काव्य स्पर्धा हो सकती है? अब आपको लगेगा कि पेट में गए बिना सुपोषण कहां होने वाला है, ये मोदी कविता करवा रहा है, लेकिन आप देखिए स्कूलों में टीचर में मन करेगा कि सुपोषण से लेकर के कविता कैसे लिखे, कोई नाट्य प्रयोग हो सकता है क्या सुपोषण का? मुझे बराबर याद, मैं एक बार आंगनबाड़ी में गया तो वहां बच्चों ने प्रयोग किया 15 मिनट का, कोई टमाटर बन करके आया, कोई गाजर बन करके आया, कोई गोभी बन करके आया, और फिर वो आकर के डायलॉग बोलता था कि मैं गाजर हूं, गाजर खाने से ये होता है। उन सारे बच्चों को पता चला हाँ गाजर खाना चाहिए। अब मां कितना ही करें वो हाथ नहीं लगाता था, लेकिन स्कूल में बच्चों ने कहा तो घर जाकर के मांगने लगा मां गाजर खाऊंगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जन आंदोलन खड़ा होता है अच्छे स्लोगन की कॉम्पिटिशन, हम लोगों को जोड़ सकते हैं। शुरू में वो सुपोषण नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे एक मोमेंटम बनता है। और फिर मान लीजिए हम करें तिथि भोजन, हम उस क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मिले, उनको कहें कि आपके परिवार में किसी का जन्मदिन आता है, किसी की शादी की सालगिरह आती है,
किसी की पुण्यतिथि आती है, आप उस दिन कुछ न कुछ खाना पका करके खुद आइए, आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ बैठिए, खुद परोसिए। अब देखिए साल भर में 70-80 दिन तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको, उसको भी संतोष मिलेगा कि भाई आंगनबाड़ी के 40 बच्चों को जाकर आज मैंने ये खिला दिया। एक ऐसा माहौल बनेगा, अब बदलाव देखेंगे। अब हम स्कूल ड्रॉप आउट देख रहे हैं, कभी आंगनबाड़ी के बच्चों को टूर प्रोग्राम होता होगा, कुछ जगह पे होता है जहां इस प्रकार के एक्टिविटी है, वहां तो क्या करते हैं, नदी में टेंपल में बच्चों को ले जाएंगे, नदी है तो नदी के किनारे पे जाकर के खड़े रखेंगे, तो बगीचा होगा तो वहां ले जाएंगे। क्या कभी ऐसा तय कर सकते हैं महीने में एक दिन आंगनवाड़ी के बच्चों को लेकर के वहां की प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, उन प्राइमरी स्कूल के बच्चों को देखेंगे खेलते हुए, उनके साथ खेलना होगा, और हो सके तो उस दिन का मिड डे मील आंगनवाड़ी के बच्चों का उन बच्चों के साथ हो जाए। उस आंगनवाड़ी के बच्चे के मन में भाव जगना शुरू हो जाएगा कि मुझे अब आगे स्कूल में आना है, मुझे अब तो यहाँ आना है, ये अच्छी स्कूल है, बड़ी स्कूल है, अच्छा मैदान है, अच्छा खेलते हैं। चीज छोटी होती है, बदलाव शुरू होता है। मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया, शायद आप लोगों को पता होगा, मैं किसी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के लिए मुझे बुलाते हैं तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मैं कॉन्वोकेशन में आऊंगा लेकिन मेरे 50 स्पेशल गेस्ट होंगे, उनको आपने फ्रंट रो में बिठाना होगा। तो है प्रधानमंत्री कहेगा तो कौन मना करेगा, और उनको भी लगता है हो सकता है ये बीजेपी के लोगों को बुलाने वाले होंगे, ऐसा ही सोच तो यही है, मर्यादा तो वही है। फिर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट की स्कूल जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे 50 बच्चों को आप कॉन्वोकेशन में ला करके बिठाइए। और फिर मैं कॉन्वोकेशन के बाद उन बच्चों से बात करता हूं, मैं देखता हूं उन बच्चों को भी, जब कोई गाउन पहन करके आता है, टोपी पहन करके आता है, प्रमाण पत्र लेता है, उन बच्चों के मन पर एक संस्कार होता है, यहां कभी मैं भी बन सकता हूं। एक काम जो बहुत बड़ा लेक्चर नहीं कर सकता है, सीइंग इज बिलिंग, उस बच्चे के मन में एक एस्पिरेशन पैदा होता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वहां के जन सामान्य के अंदर एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन को आइडेंटिफाई हम करें। नए एस्पिरेशन जगाने के लिए मैं नहीं कह रहा, पड़े हैं और उसको हम चैनलाइज करें। हम इस प्रकार से जन भागीदारी से चीजों को कर सकते हैं।